आदरणीय बड़े संजीत मिश्रा जी दादा माँ आइए एक गीत मैं अपनी ओर से लेकर चल रही हूँ, क्योंकि आज अपने भाइयों का प्रेम स्नेह देखकर एक बहुत पुराना गीत याद आ गया। आज मेरे भाई जोरावरपुर से यहाँ तक हमारा कीर्तन सुनने आए हैं, तो इन्हीं भाइयों को देखकर एक बहुत पुराना गीत मुझे याद आ गया। गाया फिल्म वालों ने कहा, फिल्म वालों ने क्या कि हम बहनों के लिए मेरे भैया माध्यम से धुन तो आप कहीं भी सुन सकते हैं। कहना है गीत के माध्यम से महाराज दशरथ का मरण हो गया। एक दिवस भगवान श्री राम ने ताड़का को मारा, और जब ताड़का को मारा, ताड़का मरणासन अवस्था में पड़ी है, और भगवान श्री राम से कहने लगी क्या कि हे प्रभु बोली ताड़का हे रघुराई समझो जरा मन की जिसे अवध बगिया बोराई। हे राम जब तुम भी पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारा भी अवतार नहीं हुआ था, तब एक बार महाराज दशरथ इस वन में आए थे, प्यास से व्याकुल थे, अचेत हो गए थे महाराज दशरथ, तब मैंने अपने हाथों से उन्हें पानी पिलाया था, तो महाराज दशरथ ने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी अयोध्या में राज करोगे, तुम मेरी अयोध्या में राज करोगी। हे राम तुमने मुझे मार दिया है, और मैंने तो सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे आज आज आपके पिता का ये वचन खाली जा रहा है। अगर मैं मर गई
और रघुकुल की रीत टूट जाएगी, ये बचन भारी चला जाएगा। क्या बात, तो भगवान श्री राम ने कहा गदा मौत की जब गहराई मैंने दी नब को अमराई, मैंने दी नब को अमराई, मैंने दी नब को अमराई। कहा ताड़ करे मैंने महाराज दशरथ को बचाया था, तो बदले में बरथा दिया तब कौशल राय। तो महाराज ने मुझे वरदान दिया था 14 वर्ष तू राज करेगी। महाराज ने वचन दिया था अवध में राज करेगी। जब प्रभु ने इतना सुना, भगवान श्री राम ने सुना कि पिताजी इसे वचन दे गए हैं, तो भगवान श्री राम ने भी ताड़का से कह दिया, ताड़का सुन, ताड़का सुन, अगर पिताजी ने वचन दिया है कि तू राज करेगी, तो आज मैं भी वचन दे रहा हूँ कि तू राज करेगी। लेकिन करेगी कैसे, सुन, समझते जाइए। 14 वर्ष तू राज करे इस राज को ये राज राज ही रहेगा। 14 वर्ष तू राज करे इस राज को रखूं राज में, ये राज राज ही रहेगा। तू अयोध्या में राज करेगी और मैं, आदरणीय दादाजी इस पंक्ति को सुनिए, सुनिए ये पंक्ति आपको हर अंतरे में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान श्री राम ने कहा तुम राज करोगी और मैं वनवासी वन में रहूंगा, वनवासी वन में रहूंगा, सत्य कहूं ये आज मैं नहीं अवध का राज में। वर्षों तक तू राज करेगी, मैं वनवासी वन के वन में रहूंगा, 14 वर्षों तक अयोध्या में राज नहीं करूंगा। आदरणीय दादाजी, उपस्थित जन समुदाय, आप सभी लोग जानते हैं कि उसी ताड़का की अस्थियों की भगवान श्री राम की खड़ाऊ बनी, उन्हीं खड़ाऊ ने 14 साल सिंहासन संभाला। कहा भगवान श्री राम ने वनवासी वन में रहूंगा, सत्य कहूं देखे। भगवान श्री राम का वनवास हो गया, भरत जी ननिहाल से लौटकर वापस अयोध्या आ गए। सुना भरत लाल ने भैया का वनवास हो गया है और इन सब का कारण मेरी माता कैकेयी है, ना कैकेयी वरदान मांगती ना भैया वनवास जाते। भगवान भरत लाल कैकेयी के भवन में पहुंच गए और कहने लगे कैकेयी से, अनुराग कीन्हा और ये एक से एक पद मुद्राएं। आदरणीय बड़े भैया हमारे संजीत मिश्रा जी, हमारे रजनीश मिश्रा जी, आप दोनों की तरफ से बार बार लगातार यह आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए बारंबार प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा भरत लाल ने किया कैकेयी, तूने महाराज दशरथ के साथ अनुराग किया है,
लूटा है सुहागनी अपनी मांग अपने हाथों उजाड़ ली। और कहा भारत भारत लाल ने क्या भाग्य बिगाड़ा पाप की भागनी बन नाग बनाया मुझे खुद नागिनी 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 बन दागे दिया कुल को दागनी बन आपने कुल को दाग दे दिया तो माफ सुन तूने सब मेरे लिए किया है। तूने यही सोचा था ना कि भारत लाल राजा बन जाए मेरा बेटा भारत राजा बन जाए तो माफ सुन सुनिए मैं जा रहा हूँ भैया को वनवास से लौटाने अगर भैया लौट आए तो ठीक है नहीं लौटे तो सुन सुनिए ताज धरूं अयोध्या का ताज। देखे भरत लाल को कुछ पता नहीं है कि ताज है कहाँ ताज बाली के यहाँ के कई जानती है राम जानते हैं भरत लाल नहीं जानते इसलिए भरत लाल कह रहे हैं केके से ताज धरूं सर ताज के सर सर अगर ये ताज सर ताज के सर पर नहीं धरा तो ताज धरूं सर ताज के सर सर कैसे उठाऊं समाज क्योंकि इस पर भैया का अधिकार है। अगर ये ताज मैंने अपने सर पे रख लिया तो ये समाज में सर कैसे उठाऊंगा। ताज धरो सर ताज का सर सर कैसे उठाऊं समाज में। मैया मैं भैया को लाने जा रहा हूँ अगर भैया आ गए तो ठीक है और नहीं आए अगर नहीं आए तो उनकी तरह मैं भी उनकी तरह मैं भी अयोध्या की सीमा से दूर नंदीग्राम में वनवासी बन बन में रहूंगा सत्य कहूं ये आज मैं नहीं लूंगा अवध का राज मैं नहीं वनवासी बन बन में रहूंगा सत्य कहूंगे आज मैं। इधर भरत लाल कह रहा है वनवासी बन बन में रहूंगा सत्य कहूंगे आज मैं नहीं लूंगा अवध का राज मैं। गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिए भगवान श्री राम हाथ उठे भक्तों के तरण विभीषण का तिलक कर दिया पानी से तिलक कर दिया लंकाधीश लंका पति कह दिया विभीषण को। जब लंका पति बना दिया तो सुग्रीव ने सवाल किया एक तरफ विभीषण को लंका पति बना दिया और दूसरी तरफ अंगद से संधि प्रस्ताव भेज रहे भगवान श्री राम कि रावण के पास जाओ और रावण से कहना अब भी वक्त है सीता को शरण में सीता को मेरे पास ले आओ और मेरी शरण में आ जाओ मैं रावण को माफ कर दूंगा।
और जब इतना सुना सुग्रीव ने तो सवाल कर दिया, कहा प्रभु आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और उधर उधर रावण को प्रस्ताव भेज दिया कि रावण शरण में आ जाए, अगर वो रावण शरण में आ गया तो फिर रावण को कहां का राजा बनाओगे। जब इतना सवाल किया तो भगवान श्री राम ने कहा सुग्रीव सुनिए सुनिए, आ गई भले ही सेना रण में, भले ही सेना रण में तैयार है लड़ने के लिए, लेकिन आ गई भले ही सेना रण में, अगर अब भी होगा पेरे उसे के आचरण करूंगा क्या? क्योंकि मैंने विभीषण को तो लंकापति घोषित कर दिया, तो वो लंका लंका विभीषण की हो रावण, लंका विभीषण की रहेगी लेकिन रावण को लंका विभीषण की हो रावण को तू अवध का ताज में, क्योंकि 14 वर्षों के बाद जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो मैं अयोध्या का राजा बनूंगा, अयोध्या का ताज मेरे माथे पर होगा, तो मैं वो ताज अपने माथे पर नहीं धरूंगा, रावण को पहनाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, अभी तो 14 वर्ष के लिए आया हूँ, लेकिन अगर रावण शरण में आ गया और मैंने रावण को अयोध्या का राजा बना दिया तो फिर मैं आजीवन आजीवन वनवासी बन वन में रहूंगा, सत्य कहूँ धन्यवाद है। जितने भी लोग यहाँ हैं बड़ी शांति से बड़े अच्छे ढंग से गीतों को सुन रहे हैं, एक बहुत पुराना गीत बजा गाया फिल्मी दुनिया वालों ने के बनो तेरी अकिया तेरी अखियां ला कीरे बनो तेरी अखियां सुरमे दाने। आइए एक छोटा सा टुकड़ा मेरी ओर से सुनेंगे आप सभी लोग, आज सभी जानते हैं है जितनी कलाएं है जितनी कलाएं चंद्रमा मामा
चंद्रमा में है, 16 कलाओं से परिपूर्ण ये चंदा है। तो है जितनी कलाएं चंद्रमा उतनी ही चंद्र कुल के चंद्र कौन है? भगवान कन्हैया। अगर 16 कलाओं का कलाधर ये चंदा है तो 16 कलाधारी भगवान कन्हैया है। तो कहना है क्या? है जितने कलाएं चंद्रमा मां उतने ही चंद्र कुल के अपनी मैया यशोदा से कहला दो खिलौना। क्या बात है मैयारी, मैं तो चांद खिलौना नहीं हूँ, मैयारी मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। जब हट कर बैठे तो पंक्ति मेरी कह रही है, कहला दो खिलौना चंद्रमा माँ। अरे माँ चंद्रमा खिलौना ला दो, कहला दो खिलौना चंद्रमा माँ। मैया से हट की ओ, 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 थाली में दिखाए चंद्रमा माँ। मैया यशोदा ने कन्हैया को थाली में चंदा दिखा दिया, थाली में पानी भरा उसकी उसका प्रतिबिंब चंदा दिखा दिया, मुझे प्रतिबिंब दिखा दिया, कहा कन्हैया देख ये चंदा है। थाली में दिखाए चंद्र मामा, तालियां जरूर बता बजाना अगर कविता अच्छी लगे तो, और ना अच्छी लगे कोई दबाव नहीं है, कविता का सम्मान आप लोगों को करना है। कविता में सामर्थ्य कितना है ये कविता ही बताएगी। वो कविता थी, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर ने हुंकारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर ने हुंकारा था, वो कविता थी जिसने शब्द बाण से मोहम्मद गोरी को मारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गा करके आरती सजाई जाती है। अरे मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है, पूर्ण रात से सबसे ज्यादा हमारे संचालन में, हमें उम्मीद है कि मजा आनंद आएगा। पांडे काका नाश हो गया, पांडे काका नाश हो गया, हिजड़े पाइन चौचक दुल्हिन रणवन के सन्यास हो गया, अपनी जान खरीदन सरपत लेकिन ससुरा काश हो गया, पांडे काका नाश हो गया। आशा उन्हों हमका दिहिन निराशा, एक ही खपरी कई नौहावा, हमका सब विश्वास हो गया, पांडे काका नाश हो गया, हिजड़े पाए चौचक दुल्हिन रणवन के सन्यास हो गया, चूटी चले तो धरती ही ले, सौहे बकरी को भड़ा ली, बेले से अब लड़े टमाटर,
कई थे बिचारा दास हुई गवा पांडे काका नास हुई गवा। बड़े भैया श्री ससुराज कमल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। दोनों सक्षम कीर्तनकारों ने संपूर्ण रात में अपने गीत संगीत साहित्य के माध्यम से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। फिर सादर आमंत्रित कर रहा हूँ ससुराज भैया जी, कोई प्रतिबद्धता नहीं है, प्रयास करिएगा कि दो गीत आपके द्वारा और दो गीत सम्मानिया बहन पूनम आजाद जी के द्वारा, क्योंकि राजेश भैया का निर्देश था कि शैलेश भाई ये कार्यक्रम आपका है, आपके घर का है, इसको जल्दी शुभारंभ कराना और प्रात काल की बेला में बेशक जल्दी कार्यक्रम को संपन्न करा देना। तो आइएगा बड़े भैया श्री ससुराज कमल जी। आज का पेमेंट काफी तकलीफ हो रही है, गले में दर्द पैदा हो गया है। भैया देख रहे हैं। हेलो 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 ऑपरेटर नहीं उनके पास, बता रहे थे ऑपरेटर नहीं। इंस्ट्रूमेंट सेट आपका बढ़िया है, केवल सेटिंग से कहीं से आप समझ नहीं पा रहे हैं। हेलो हेलो बढ़ा दो भैया मेन माइक, बचा के करो क्या, जितना बढ़ सकता हो बढ़ाओ, बढ़ाओ ट्रबल बढ़ा दीजिए। जब ऑपरेटर नहीं उनके पास। हेलो हेलो एक तो गलत जगह पे माइक लगाया हुआ है। जो यहाँ पर कीर्तन हुआ है आप बता रहे थे कि पहले मेरे शफीक बाबा उनके द्वारा यहाँ पर एक जवाबी गाई गई, उसके बाद काफी अरसे के बाद कार्यक्रम हो रहा है और लगातार जो तारीख आपकी है वो दशहरे के बाद है। तो हर कलाकार बिल्कुल थका हुआ है, खींचा हुआ है, मैं फिर भी हम लोगों ने मेहनत की है और क्या मैं और जवाबी कीर्तन में कार्यक्रम की सफलता 75% निर्भर करती है साउंड। और क्या ये भी साउंड भी थक गया, मैक भी थक गया, आज यहाँ कल वहाँ, क्योंकि हम लोग तो इंसान हैं, मशीनें थक जाती हैं। हेलो और क्या थक गई मशीन। हेलो बढ़ जाए फिर हाथ हटा लीजिए, वहां से बढ़ा दीजिए हाथ हटा लीजिए। हेलो अरे वाह। हेलो हाँ इतना इतने हाथ हटा लीजिए, थक गई इसलिए चिल्लाने लगती है मशीन, किसी तरह निपटा लेंगे। हेलो हाँ बढ़िया, ये मशीन शाम से चिल्ला रहा है कि बनो तेरी अखिया आपने दिया है कि बनो तेरी अखिया सुर में दानी, बनो तेरा कंगना है हजारी।
कलाएं, कृष्ण चंद्रमा 16 16 कलाएं। मैं कृष्ण को छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन देखिए कलाएं पढ़ जाए तब गाने का मजा है। और क्या, अवतार तो 16 कला में था, लेकिन भगवान कन्हैया ने जीवन में दो बार तो नहीं और तीन बार ऐसा रूप बनाया जिसमें 16 से कहीं ज्यादा कलाएं। क्या बात, वाह। एक तो जब बचपन में माटी खाई, माँ ने कहा मुंह खोलो, तो कन्हैया के मुख के अंदर ही ब्रह्म और ब्रह्मांड के दर्शन हुए माता यशोदा को। हे वाह, ब्रह्म की कलाएं मालूम है आपको। फिर युद्ध भूमि में जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया, बगैर पटरी की रेल चल रही है, विराट रूप दिखाया, जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने भी कन्हैया में उस रूप के दर्शन किए जिसमें 16 से ज्यादा कलाएं। सब समझते रहो, जब पे बैठो, कितनी कलाएं हैं और रूप कैसा है। ऑपरेटर नहीं उनके पास, दुकान से नहीं मकान से। ये जितनी कलाएं पूर्ण ब्रह्ममा, जितनी कलाएं पूर्ण ब्रह्ममा है, उतनी कलाएं पूर्ण ब्रह्ममा जी। 64 कलाएं, गूगल भी परेशान। लखा अर्जुन ने, लखा अर्जुन ने और लखती माँ है। और अर्जुन ने युद्ध भूमि में देखा, लखा अर्जुन ने और लखती माँ है, ये ब्रह्मांड सारा बेचारे अब जाएंगे कैसे, ट्रेन तो छूट गई उसमें बगैर टिकट निकल जाते। एक गाना मिला, जवाब आपने क्या दिया, क्या नहीं दिया, जवाब गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब सवाल गड़बड़ा जाए, समझो बड़ी गलती इस गाने में आपने कर दी है। सब पंकज पंकज इतने विद्वान रचनाकार, अरे उनकी कभी नहीं बड़ी गलती, उनकी कोई चलती ही नहीं की, तभी आपने गाया कि हम बहनों के लिए मेरे भैया, हम बहनों चले
सोचो सोचो ताज धरूं सर ताज के सर पर ताज धरूं सर ताज के सर पर कैसे उठाऊं सर समाज में नहीं लूंगा अवध का राज में केवल इतना बताना क्या अयोध्या का ताज अयोध्या में था ताज सर पे कैसे धरते ताज था ही नहीं इसीलिए तो राम का वनवास हुआ राम वनवास का प्रमुख कारण कि अयोध्या का ताज तो बाली के पास है और क्या महाराज दशरथ राज्याभिषेक करने के लिए तैयार तो हो गए शायद इनको याद नहीं है कि अयोध्या का राज मुकुट तो बाली ने छीन लिया था जी, ये बहुत बारीक बातें हैं। जब से गाना लिखा गया होगा किसी ने उंगली नहीं उठाई चलते हैं जवाब की तरफ नहीं लूंगा अवध का राज कई लोग इसे भरत ने त्याग दिया ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ नहीं बनी तो पेमेंट खत्म आपने कहा ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बन गई हड्डियों की नहीं ताड़का के कूल्हे की हड्डी की हड्डी और हड्डियों में अंतर है एक बचन बहुवचन अब आप विद्वान हैं चाहे जो समझाओ सब पंकज उदास भगवान प्रभु राम से शुरू कर रहा हूँ और छोटा सा जवाब गा रहा हूँ उसके बाद जैसा कि इशारा मिला है कि स्वतंत्र गीत होने हैं अच्छे अच्छे एक दो गीत उधर से हो जाए एक दो इधर से क्या बात सुपारी का कमाल है प्रभु राम ने माता कैकेयी से कहा क्या दुनिया कहती है कैकेयी ने वनवास दे दिया जी वनवास कैकेयी ने नहीं दिया वनवास मांगने के लिए कैकेयी को प्रभु राम ने मजबूर किया वाह सरयू नदी में गर्दन तक पानी में खड़े हो गए प्रभु राम माता कैकेयी से कहा माँ मुझे एक वचन दे बोलो राम क्या चाहिए अरे मुझे वचन दो कि आप मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगो राम ने मांगा था वनवास कैकेयी से तब कैकेयी ने मांगा महाराज दशरथ से कि वचन तो हमको इतना है माई हृदय में मांगे वचन तो हमको इतना है माई हृदय में मां के बात समाई बिने ही मानो मति है घुमाई 14 बरस का चौदह बरस का बन मांगो मां राज रहेगा राज में 14 बरस का बन मांगो मां राज रहेगा राज में त्यागूंगा सकल
सुख त्यागूंगा सकल सुख साज में और 14 बरस का बनवागिए। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? उसका एक कारण ताड़का का दिया हुआ वचन कि 14 वर्ष राज करना है, और दूसरा कारण था कि रावण की उम्र में केवल 14 वर्ष ही बाकी थे। अरे वाह वाह, ये है राम ने सुख सज्जा का त्याग किया। कैकेयी ने वनवास मांगा राम के लिए, साथ जाने के लिए तैयार हो गई जानकी, और जानकी के साथ साथ तैयार हो गए छोटे भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोल पड़े क्या कि भाई के संग में जाए ये भाई, भाई की सेवा है मन भाई, भाई की सेवा है मन भाई, भाई की सेवा है मन भाई, क्या बात कि भाई के संग में जाए ये भाई, भाई की सेवा अरे है मन भाई, भाई के चरणों से प्रीत निभाई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझे भी ले चलो कि नींद नारी भोजन को त्याग के। मेघनाद कैसे मारा जाएगा जो 14 वर्षों तक नींद नारी भोजन का त्याग करेगा, वही मेघनाद को मार पाएगा। नींद नारी भोजन को त्याग के मैं साथ रहूंगा, राज रहेगा राज ये त्यागूंगा सकल सुख साथ। उधर राम जी के साथ लक्ष्मण जी चले गए, भरत जी ने अयोध्या छोड़ दी कि अगर हमारे भैया राम वनवासी हैं तो मैं भी नगर में निवास नहीं करूंगा। क्या बात, और जब भरत जी ने अयोध्या छोड़ी तो शत्रुघ्न आ गए। शत्रुघ्न ने कहा क्या कि भाई के त्याग को जाने जमाना निश्चल प्रेम ये सबने लेकिन मेरा ना मन माना नंदी ग्राम में भैया भरत संग, नंदी ग्राम में भैया भरत संग सेवा करूं ससुराज में त्यागूंगा सकल सुख साथ। और हम चाहेंगे एक तरफ से शुरुआत होती है और दूसरी तरफ से विराम होता है।